नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। कनाडा, यूके, यूएसए ड्रीम कंट्रीज लोगों की होती है। ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर नहीं खुला तो उसको मैं कंक्लूड नहीं कर रहा। तो ये कंट्रीज ऐसी होती है जहां बच्चे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और एक बढ़िया सेटलमेंट वहां करना चाहते हैं, आगे चल के सेटल होके बढ़िया फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। कई तरह के रीजन्स होते हैं, एजुकेशन गेन करना चाहते हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल चाहते हैं। तो इन ड्रीम कंट्रीज तरफ हम भागते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एप्लीकेशन गो थ्रू नहीं होती फर्स्ट अटैम्प्ट, मतलब रिफ्यूजल आ जाती। उनके लिए तीनों कंट्री में से क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं अगर रिफ्यूजल आती है, उसके बारे में ये वीडियो रहेगी। आप वीडियो को एंड तक देखें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। एंड स्टूडेंट वीज़ा की किसी भी कंट्री की एप्लीकेशन के लिए आप वीज़ा ऑफिस की टीम को कॉल कर सकते हैं। 9041090410 इज़ आवर हेल्पलाइन नंबर। कैनेडा, यूके एंड यूएस, हम एक एक करके कंट्री को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। कैनेडा से स्टार्ट करते हैं। कैनेडा, देखिए रिफ्यूजल का एक इम्पैक्ट भी होता है, तो वो भी मैं क्वेश्चन बीच में आपको आंसर कर दूंगा। कैनेडा का एक रिफ्यूजल आता है, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं। क्या कनाडा के एक रिफ्यूजल का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अगले रिजल्ट के ऊपर पड़ता है? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हर कंट्री का पड़ता है। लेकिन एडमिशन की बात कर लें या उसी कॉलेज में दोबारा से अप्लाई करने की बात कर लें, एम्बेसी में फाइल पुटअप करने की बात करें, एक या दो तीन चार रिफ्यूजल भी है तो भी वीजा आता है। कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मतलब एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्बेसी भी आपको वीजा ग्रांट करती है। सो कैनेडा अगर रिप्लाई कर रहे हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, शर्त यह है प्रोफाइल को देख ले, ऐसा ना कि प्रोफाइल आपका वीजा वाला हो ही ना और आप बार बार रिट्राई करें तो उसका कोई फायदा नहीं, फिर आपको कंट्री स्विच करनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम यूके की। यूके में नॉर्मली क्या होता है कि रीअप्लाई का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। जी हाँ, ये सच्चाई है। यूके क्योंकि कैश लेटर आपको मिलता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसका नंबर ई से स्टार्ट होता है, तो उसके बिहाफ पे आपकी वीजा एप्लीकेशन लगती है। तो वो नंबर डालोगे फॉर्म में तभी एप्लीकेशन आपकी आगे कंटिन्यू होती है। तो वो नंबर वैलिड होता है, वो कैश वैलिड होता है, वन टाइम यूज डॉक्यूमेंट होता है वो। सो एक बार ही उसको यूज कर सकते हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं फाइल, तो यूके का सिस्टम क्या है, कोई नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ तो बिना इंटरव्यू के सीधा वीजा आएगा, अगर रिफ्यूजल आई है तो वो सिर्फ इंटरव्यू में आती है, बहुत रेयर चांस है किसी और रीजन से आए। तो जब होता है कि अगर आपकी एक रिफ्यूजल लग जाती है तो दोबारा आपका यूके लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा टास्क होता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन ही नहीं देगी। वो वाला जो कैश है, जैसे कैनेडा में तो है तो एलओए आपके पास पड़ा है, एक सेमेस्टर के लिए वैलिड है, आप उस एलओए पे दोबारा फाइल लगा दो। यूके में ऐसा नहीं है, तो यूके में रीअप्लाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है, क्योंकि वो कैश आपका इनवैलिड है। नया कैश आपको यूनिवर्सिटी इशू करे ना करे उनकी मर्जी, नॉर्मली वो नहीं करते, क्योंकि आपकी रिफ्यूजल ही क्रेडिबिलिटी के ऊपर आती है जो कि इंटरव्यू पे होता है। उसके बाद वीजा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप अलग अलग कंसल्टेंट के पास जाओगे कि मेरा यूके का स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज है, तो शायद ही कोई कंसल्टेंट आपको ओके करेगा, क्योंकि आगे यूनिवर्सिटी एडमिशन ही नहीं देना। तो यही कनाडा और यूके में बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद यूएस की बात करें, यूएस में भी कनाडा की तरह ही है, क्योंकि कनाडा और यूएस के रूल ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं, कुछ ज़्यादा इनका डिफरेंस नहीं होता पॉलिसीज को लेके, कई बार थोड़ा मैच चीजें होती है। तो अगर इस मामले में बात करें एक रिफ्यूजल के बाद, तो यस, यूएस में भी कोई दिक्कत नहीं आती। एक दो तीन रिफ्यूजल आप जितने मर्जी री अटैम्प्ट आप कर सकते हैं। हाँ, एक जो आपका सेमेस्टर होता है क्लास स्टार्ट डेट, उसके हिसाब से आपको I-20 एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसके बिहाफ पे आप अपनी सर्विस फीस पे करते हो और आगे चल के अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो, तो वो वैलिड रहती है सर्विस फीस एक साल के लिए। तो I-20 आपकी वैलिड है अगले कुछ महीनों के लिए, जब तक इंटेक स्टार्ट नहीं होता नॉर्मली वैलिड रहती है। तो उस टाइम पे पहली बार रिफ्यूजल आके कोई इशू नहीं, आप सेम डॉक्यूमेंट के ऊपर वैसे फीस भर के दोबारा से फाइल लगा सकते हो, जस्ट लाइक कैनेडा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं। तो मेनली तीनों कंट्री में से कैनेडा यूएस का रिप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है एक रिफ्यूजल के बाद, आप अप्लाई भी कर सकते हैं, एडमिशन को लेकर भी कोई चैलेंज नहीं, आपका वो डॉक्यूमेंट वैलिड। लेकिन यूके जब पहली बार भी अप्लाई करना है तो आपको केयरफुल होकर अप्लाई करना पड़ेगा और इंटरव्यू की प्रेपरेशन अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि यूके मैंने बता दिया कैश वन टाइम यूज है, उसके बाद आपको एडमिशन ही बड़ा मुश्किल होना किसी यूनिवर्सिटी में देना। तो यूके एक ही चांस आपको मिलता है और उसको ग्रैब करे किसी बढ़िया कंसल्टेंट से जिसको नॉलेज हो, टेक्निकल लेवल पर कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि इंटरव्यू की प्रेपरेशन तो टीम करवा देगी, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं दो कंट्रीज में, और यूके के लिए एक ही अटैम्प्ट है, उसको लास्ट अटैम्प्ट मान के ही चले, क्योंकि यूके देखिए एंट्री रिक्वायरमेंट बहुत कम है। कनाडा 4 बार रिफ्यूज, यूएस 4 बार रिफ्यूज, 5 बार रिफ्यूज, यूके वीजा देता है, लेकिन गलती की गुंजाइश वो आपको नहीं छोड़ता। तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। सो अगर आप किसी भी कंट्री के स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वीजा ऑफिस की टीम को कॉल कर सकते हैं 90410 90410। सो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।